अंतर विधि। माना कि T1, T2, T3 अप टू Tn किसी श्रेणी के क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय और अंत में nवें पद हैं, तथा इनके क्रमिक अंतर T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 अप टू Tn माइनस 1 समांतर श्रेणी अथवा गुणोत्तर श्रेणी में हैं, तब अंतर विधि से इस श्रेणी का योगफल ज्ञात किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जहां पर दिया गया है कि श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, 1 धन 4 धन 10 धन 20 धन 35 और आगे भी कुछ पद दिए गए हैं। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। हल करने के पहले आपको यह ध्यान देना होगा कि क्या यह समांतर श्रेणी में है। यह समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि आप दो क्रमागत पदों का अंतर लेते जाएं तो अंतर अलग अलग दिखाई देगा। श्रेणी 1, 4, 10, 20, 35 आगे पद हैं, इसका क्रमागत पदों का अंतर लेते हैं, अर्थात 4 ऋण 1, 10 ऋण 4, 20 ऋण 10, 35 ऋण 20 और आगे भी कुछ पद हैं, अर्थात 3, 6, 10, 15 इत्यादि। यह पद भी समांतर श्रेणी में नहीं है। यदि फिर से हम दो क्रमागत पदों का अंतर लेते जाएं, अर्थात 6 ऋण 3, 10 ऋण 6, 15 ऋण 10 इत्यादि, तो जो अंक हमें मिल रहे हैं वो है 3, 4, 5, 6 इत्यादि। यह समांतर श्रेणी में है। तो इस कंसेप्ट का उपयोग करके हम अंतर विधि के द्वारा प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं बोर्ड पर। अब हम लिखते हैं कि माना दी हुई श्रेणी का nवां पद Tn व n पदों का योगफल Sn है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि S इक्वल टू 1+4+10+20+35 और अगर इसमें n पद हैं तो nवां पद जो होगा हमने Tn माना है। अब पुनः यदि हम S लिखें और एक पद आगे खसका के लिख सकते हैं इसको, तो 1+4+10+20+ इस तरीके से इस Tn के नीचे Tn-1 वाला पद आएगा और अंत में आएगा Tn। और यदि इन दोनों को हम घटा दें तो देखिए कि S और S आ जाएगा 0, ये 1, 4-1, 3, 10-4, 6, 20-10, 10, 35-20, 15 और इस तरीके से अंत में जो पद होगा ये Tn-1 और -Tn होगा। तो इस Tn को पक्षांतर करके लेफ्ट साइड पे ले आ सकते हैं, तो हमें मिल रहा है Tn=1+3+6+10+15 और हम आगे इसको लिख देते हैं n पदों तक। अब इसे हम लिख सकते हैं Tn=1+3+6+10+15 इस तरीके से। मान लेते हैं कि इसका जो nवां पद है यह Tn है, मतलब इस श्रेणी का nवां पद Tn। फिर से पुनः हम यही लिखेंगे Tn=, और फिर से एक पद आगे खसका कर लिखते हैं 1, 3, 6, 10 इस तरीके से, इसके नीचे आएगा Tn-1 और फिर प्लस Tn। फिर इन दोनों को पुनः यदि हम घटा दें तो Tn-Tn आएगा 0, ये 1+3-1, 2, 6-3, 3, 10-6, 4, 15-10, 5 इस तरीके से आपको मिलेगा Tn-Tn-1 और फिर ये -Tn। इस Tn को हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं तो Tn=, हमें मिल रहा है 1+2+3+4+5 इस तरीके से n पदों तक। अब चूंकि ये Tn ये सिग्मा n है, या फिर इसके n पदों का योगफल आपको पता है n(n+1)/2 ये होता है, और मल्टीप्लाई करें तो मिल जाएगा n²+n/2, ये Tn है और हमें योगफल चाहिए। तो अभिष्ट योगफल Sn = σTn,
इसमें सिग्मा अप्लाई कर देंगे तो 1/2 सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा एन। सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा एस एन इक्वल टू 1/2 एन स्क्वायर एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 और सिग्मा एन एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। इसे जब आप सरल करेंगे तो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा 1/6 इंटू एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 और यही वह उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था। अब अगला प्रश्न है, श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसमें दिया गया है 1, 1 धन 4 धन 13 धन 40 धन 121, इस तरीके से आगे पद दिए गए हैं। तो दी गई श्रेणी के क्रमागत पदों का यदि हम अंतर देखें, 4 में 1 घटाएंगे मिल जाएगा 3, 13 में 4 घटाएंगे मिल जाएगा 9, 40 में 13 घटाएंगे मिल जाएगा 27 और 121 में 40 घटाएंगे मिल जाएगा 81, इस तरीके से आगे हमें पद मिल रहे हैं। तो जो 3, 9, 21, 3, 9, 27 और 81 यह गुणोत्तर श्रेणी के पद हैं। तो माना कि दी हुई श्रेणी का nवां पद tn व n पदों का योग sn है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि sn इक्वल टू 1 + 4 + 13 + 40 + 121, इस तरीके से आगे यह पद जाएगा। और मान लेते कि इसका सेकंड लास्ट टर्म tn-1 और अंतिम पद tn है। समीकरण एक, पुनः यदि हम sn लिखें और इसे मैं एक पद हटाकर लिख रहा हूँ, ये 1 + 4 + 13 + 40 + 121, इस तरीके से तो tn के नीचे में आएगा tn-1 और फिर ये प्लस tn। समीकरण एक व दो को घटा दें अर्थात समीकरण एक में दो घटाने पर हमें क्या मिल जाएगा, sn और sn 0, 1, 4 में 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे मिल जाएगा 3, 13 में 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे मिल जाएगा 9, फिर 27, फिर 81, इस तरीके से आपको पद मिलता जाएगा। ये tn-1 ये tn और फिर माइनस tn-1 और फिर माइनस tn, इस tn को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो हमें मिल जाएगा tn इक्वल टू 1 + 3 + 9 + 27 + 81, इस तरीके से ये tn-1, या फिर इसे हम लिख सकते हैं tn इक्वल टू 1 + 3 + 9 + 27 + 81, इसके कुल n पदों का योगफल, ये tn है। देखिए कि यह गुणोत्तर श्रेणी है जिसका प्रथम पद 1 और सार्वंतर t है। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है a r का पावर n-1 / r-1। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 3 का पावर n-1 / 2, ये हमें tn मिला है। और हमें जो योगफल चाहिए, अभिष्ट योगफल, इसमें हमें सिग्मा अप्लाई करने पर मिलेगा। तो 1/2 जो है ये कॉमन है, फिर सिग्मा 3 का पावर n और फिर माइनस सिग्मा 1। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 का पावर n यह एक गुणोत्तर श्रेणी है फिर से, और इसके n पदों का योगफल a r का पावर n-1 / r-1 और फिर ये -1, तो ये 1/2 और ये 3/2 3 का पावर n-1 और फिर ये -n। यदि इस 2 को आप कॉमन लेना चाहें तो आप लिख सकते हैं 1/4 और 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 3 का पावर n+1 - 3 और फिर ये -2n, और यही वह उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था। समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन
वह श्रेणी जिसका प्रत्येक पद एक समांतर श्रेणी तथा गुणोत्तर श्रेणी के संगत पदों के गुणनफल से बनी हो समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। संक्षेप में इसे सगुश्रे ऐसा लिखते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो a प्लस ए प्लस डी इंटू आर प्लस ए प्लस टू डी इंटू आर स्क्वायर प्लस ए प्लस थ्री डी इंटू आर क्यूब, इस तरीके से आगे भी हमें पद मिलेंगे। और एनवा पद होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू आर का पावर एन माइनस वन प्लस अप टू इन्फिनिटी, अगर ये अनंत श्रेणी है। यह एक समांतरी गुणोत्तर श्रेणी है क्योंकि इसका प्रत्येक पद एक समांतर श्रेणी है, जैसा कि आप ध्यान दे सकते हैं कि a प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस थ्री डी, इस तरीके से यह समांतर श्रेणी है। और गुणोत्तर श्रेणी 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब, इस तरीके से आगे भी पद हैं। इन दोनों श्रेणियों के संगत गुणनफलों से बना हुआ है। किसी समांतर गुणोत्तर श्रेणी का एनवा पद, यह ज्ञात करने के लिए इसे हम मुख्यतः तीन पदों में सरल करेंगे। तो पहला पद है कि समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात कीजिए, दूसरा पद है कि गुणोत्तर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात कीजिए, और तीसरा पद यह है कि पद एक तथा पद दो में प्राप्त व्यंजकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, और यही समांतर गुणोत्तर श्रेणी का एनवा पद होगा, समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योगफल। माना कि एस एन इक्वल टू ए प्लस डी इंटू आर प्लस ए प्लस टू डी इंटू आर स्क्वायर, इस तरीके से आगे भी हमें पद मिलेगा। और सेकेंड लास्ट पद जो होगा वो a प्लस एन माइनस टू इंटू डी इंटू आर का पावर n माइनस टू प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू आर माइनस वन आर का पावर n माइनस वन। माना कि यह समीकरण एक है, समीकरण एक के दोनों पदों को r से गुणा करके एक पद आगे हटाकर हम लिखते हैं, तो ये हमें मिलेगा r इंटू एस एन बराबर ए आर प्लस ए प्लस डी आर स्क्वायर प्लस ए प्लस टू डी आर क्यूब, इस तरीके से पद मिलेंगे। और हमारा सेकंड लास्ट टर्म जो होगा वो होगा ए प्लस एन प्लस टू इंटू डी इंटू आर का पावर एन माइनस वन, फिर अंतिम पद प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू आर का पावर एन। माना ये समीकरण दो है, समीकरण एक में दो को यदि हम घटाएं तो हमें मिलेगा एस एन इंटू वन माइनस आर इक्वल टू ए प्लस डी आर प्लस डी आर स्क्वायर प्लस डी आर क्यूब अप टू डी आर का पावर एन माइनस वन माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू आर का पावर एन। अब आप देख पा रहे हैं कि जो सेकंड ब्रैकेट है इक्वल टू के बाद जो फर्स्ट ब्रैकेट है, इससे हम डी आर को कॉमन ले सकते हैं, तो सरल करने पर आगे हमें मिलेगा एस एन इंटू वन माइनस आर इक्वल टू ए प्लस डी आर इंटू वन प्लस आर स्क्वायर अप टू आर का पावर एन माइनस टू माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू आर का पावर एन। अब इक्वल टू के बाद में जो फर्स्ट ब्रैकेट दिख रहा है यह एक गुणोत्तर श्रेणी है और इसके एन पदों का योगफल 1 माइनस आर का पावर n अपॉन 1 माइनस आर इस सूत्र का उपयोग करके लिख सकते हैं, तो ये हमें मिलेगा इक्वल टू a प्लस डी आर इंटू 1 माइनस आर का पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू आर का पावर n। और अंत में सरल करने पर हमें मिलेगा एस एन इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर इंटू 1 माइनस आर का पावर एन माइनस वन अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी अपॉन 1 माइनस आर इंटू आर का पावर एन। अब इसकी कार्यविधि देखते हैं कि करना क्या होगा। सबसे पहला स्टेप या पद होगा कि समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात कीजिए, दूसरा पद होगा कि गुणोत्तर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात कीजिए, तीसरा पद होगा पद एक व दो में
प्राप्त व्यंजकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। चौथा पद, समस्त पदों का योग कर एस एन के बराबर माने। पांचवा पद, चौथे पद में प्राप्त श्रेणी के दोनों पक्षों में आर गुणा करें। और छठवां पद या अंतिम पद है कि चौथे पद में प्राप्त श्रेणी से पद पांचवें में प्राप्त श्रेणी को घटाएं, एक पद आगे हटाकर हम घटाएंगे और फिर जब सरल करेंगे तो हमें जो उत्तर चाहिए, अभिष्ट उत्तर चाहिए, वह हमें मिल जाएगा। समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल। यदि R का संख्यात्मक मान एक से कम हो, अर्थात mod of R is less than 1, अर्थात minus 1 is less than R is less than 1, तब जैसे जैसे n का मान अनंत की ओर अग्रसर होता जाएगा, वैसे वैसे R का घात n का जो मान है वह शून्य की ओर अग्रसर होता होगा, शून्य की ओर अग्रसर होता है। अतः समांतरी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल S infinity equal to a upon 1 minus r plus dr upon 1 minus r का whole square। अब प्रश्न दिया गया है कि श्रेणी 1 plus 2x plus 3x square plus 4x cube, आगे भी पद हैं, इसके n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें दी गई श्रेणी का nवां पद निकालना होगा। दी गई श्रेणी का nवां पद, और nवां पद पहला पद है एक, यदि पदों को ध्यान दें तो एक दो तीन चार इस तरीके से इसका प्रथम पद मिल रहा है। तो एक दो तीन, इसका यदि हम nवां पद निकाल लें, और उसके बाद ध्यान दीजिए कि एक x x स्क्वायर इसका nवां पद, इसका गुणा है, तो आगे आपको मिल जाएगा 1 2 3, तो ये n, और इसमें ध्यान दें तो देखिए x का जो पावर है उसकी पद संख्या से एक कम है, तो हम इसको लिखेंगे x का पावर n माइनस 1। तो माना दी गई श्रेणी के n पदों का योगफल s है, तब हम लिख सकते हैं s इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। इस तरीके से सेकंड लास्ट टर्म जो होगा ये मिलेगा n माइनस 1 इंटू x का पावर n माइनस 2, और फिर n x का पावर n माइनस 1। मान लेते हैं कि समीकरण एक है, और इस समीकरण में दोनों पक्षों में x का गुणा करके एक पद आगे खसका कर लिख रहे हैं, तो इसमें x का गुणा करेंगे तो मिलेगा x, इसमें x का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 2x स्क्वायर, इसमें गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 3x क्यूब। इस तरीके से यह पद आगे जाएगा और आपको मिलेगा n माइनस 1 x का पावर n माइनस 1, फिर प्लस n x का पावर n। ये मान लेते हैं समीकरण दो है। समीकरण एक में यदि समीकरण दो को घटा दिया जाए तो आपको मिलेगा s माइनस x इंटू x बराबर ये 1, फिर ये x, फिर ये x स्क्वायर, फिर ये x क्यूब। इस तरीके से आपको पद मिलते जाएंगे, और ये x का पावर n माइनस 1, फिर माइनस x का पावर n। तो यदि यहाँ से आप s को कॉमन लें तो ये 1 माइनस x, और ये गुणोत्तर श्रेणी है जिसके n पदों का योगफल a इंटू 1 माइनस आर का पावर n अपॉन 1 माइनस आर, और फिर ये माइनस x इंटू x का पावर n। यहाँ से यदि आप 1 माइनस x को पक्षांतर कर दें तो मिलेगा x इक्वल टू 1 माइनस x का पावर n अपॉन 1 माइनस x का पावर 2 माइनस n x का पावर n अपॉन 1 माइनस x, और यही उस दिए गए श्रेणी का योगफल है जो हमें ज्ञात करना था। श्रेणी 1 धन 3 बटे 4 धन 7 बटे 16 धन 15 बटे 64, इस तरीके से आगे भी पद हैं, इसका अपरिमित पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। हल करने के लिए हमें पहले लिखना होगा कि माना दी हुई श्रेणी के
अनंत पदों का योगफल या अपरिमित पदों का योग s है। तो हम लिख सकते हैं कि s इक्वल टू 1 प्लस 3 बाई 4 प्लस 7 अपॉन 16 प्लस 15 अपॉन 64। इस तरीके से आगे भी पद हमें दिए गए हैं। अब देखिए कि यहाँ पर 1/4 का गुणा है, यहाँ पर भी 1/4 है, यहाँ पर भी 1/4 है। तो सरल करने के लिए इसमें हम 1/4 का गुणा कर देंगे और एक पद आगे खसका कर लिखेंगे। तो ये इस पद में हम 1/4 का गुणा करेंगे तो ये मिलेगा 1/4, इसमें गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 3/16, इसमें गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 7/64। इस तरीके से भी ये आगे अनंत पद तक जाएगा। इन दोनों को यदि हम घटा दें, घटाने पर तो हमें मिल जाएगा s माइनस 1/4 इंटू एस इक्वल टू ये 1, और इस पद में इसको घटाएंगे तो मिल जाएगा 2/4, आगे 4/16, आगे 8/64। इस तरीके से आगे आपको पद मिलते जाएंगे। इसे जब आप हल करेंगे तो मिल जाएगा 3/4 इंटू एस इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। इस तरीके से यह भी अनंत पद तक जाएगा। ध्यान दीजिए कि यह एक गुणोत्तर श्रेणी है, अनंत गुणोत्तर श्रेणी है, जिसके अनंत पदों का योगफल a/(1-r) इस सूत्र का हम उपयोग कर सकते हैं। तो 3/4s इक्वल टू 1/(1-1/2) सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 1/2, और सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा ये 2। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं s इक्वल टू 2×4/3 या फिर s इक्वल टू 8/3, और यही इस प्रश्न का उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न, यदि 1 प्लस d × 1/5 प्लस 1 प्लस 2d/5² अप टू इन्फिनिटी ये इक्वल टू 15/8 हो तो d का मान ज्ञात कीजिए। तो माना कि यह जो है ये s के इक्वल है, s इक्वल टू 1 प्लस d × 1/5 प्लस 1 प्लस 2d × 1/5² ये अप टू इन्फिनिटी, ये माना समीकरण एक है। अब देखिए 1/5 स्क्वायर इस तरीके से आगे यह पद बढ़ रहा है। तो यदि दोनों पक्षों में मैं भी 1/5 का मल्टीप्लाई करके एक पद आगे खसका कर लिखूं तो मुझे मिलेगा 1/5 प्लस 1 प्लस d × 1/5 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d × 1 प्लस 2d/1/5³। इस तरीके से यह माना दूसरा समीकरण है। यदि समीकरण एक में समीकरण दो को घटा दें तो आपको मिल जाएगा s माइनस s अपॉन 5 इक्वल टू ये 1, इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 1/5 1 प्लस d − 1 प्लस 1/5² 1 प्लस 2d − 1 − d। इस तरीके से ये आगे भी अप टू इन्फिनिटी जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 4/5 × s इक्वल टू 1 प्लस 1/5 × d प्लस d/5² प्लस d/5³। ये भी अप टू इन्फिनिटी। तो ये 4/5 × s देखिए कि यह यहाँ से आगे देखा जाए तो यह एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसके अनंत पदों का योगफल a/(1-r) इसे आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 1 प्लस d/4 और आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 4 प्लस d/4। तो ये 4/5 है, s इक्वल टू दिस, सो s इक्वल टू 4 प्लस d/4 × 5/4 जो कि इक्वल है 15/8 के, यह क्वेश्चन में दिया गया हुआ है। आगे सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा
फोर प्लस डी इक्वल टू सिक्स, और सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा डी इक्वल टू टू। और इस प्रश्न में हमें डी का मान ज्ञात करना था जो कि टू है। प्रश्न दिया गया है कि श्रेणी के एन पदों तक व अनंत पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। श्रेणी है वन अपॉन वन इंटू टू इंटू थ्री प्लस वन अपॉन टू इंटू थ्री इंटू फोर प्लस वन अपॉन थ्री इंटू फोर इंटू फाइव, ये अप टू इन्फिनिटी है। तो माना कि दी गई श्रेणी का एनवा पद, दी गई श्रेणी का एनवा पद मान लेते हैं कि ये टी एन है, और ये है वन अपॉन एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। यदि इसे आंशिक भिन्न में बदलें तो आप लिख सकते हैं वन अपॉन एन इंटू वन बाई एन प्लस वन माइनस वन बाई एन प्लस टू। आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा वन अपॉन एन इंटू एन प्लस वन और फिर वन माइनस वन अपॉन एन इंटू एन प्लस टू। इसे फिर से आगे सरल करके आंशिक भिन्नों के रूप में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन और फिर माइनस वन बाई टू वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन प्लस टू। इस पद को सरल करेंगे तो ये पद मिलेगा, इस पद को सरल करेंगे तो ये मिलेगा। इस तरीके से आगे हम लिख सकते हैं पूरा सॉल्व करने पर वन बाई टू इंटू वन बाई एन माइनस टू अपॉन एन प्लस वन प्लस वन अपॉन एन प्लस टू। यह दिए गए श्रेणी का एनवा पद है। अब एन के स्थान पर क्रमशः एक दो तीन एन माइनस वन एन रखेंगे तो हमें मिल जाएगा पहला है टी वन इक्वल टू वन बाई टू वन माइनस टू बाई टू वन प्लस वन टू, फिर प्लस वन अपॉन वन प्लस टू दैट इज थ्री। टी टू इक्वल टू वन बाई टू इंटू वन बाई टू माइनस टू टू प्लस वन थ्री और ये फोर। इस तरीके से टी थ्री इक्वल टू वन बाई टू इंटू वन बाई थ्री माइनस टू अपॉन फोर प्लस वन अपॉन फाइव। इस तरीके से आगे भी आपको पद मिलेंगे और टी एन माइनस वन जो पद होगा ये हमें मिलेगा वन बाई टू इंटू वन अपॉन एन माइनस वन माइनस टू बाई एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। और टी एन इक्वल टू हमें मिलेगा वन बाई टू इंटू वन बाई एन माइनस टू बाई एन प्लस वन प्लस वन अपॉन एन प्लस टू। अब ये जो हमें पद प्राप्त हुए हैं टी वन टी टू टी थ्री टी एन माइनस वन और टी एन, यदि इसको हम स्तंभाकार जोड़ें अर्थात इस तरीके से इन पदों को हम जोड़ें, स्तंभानुसार जोड़ने पर श्रेणी के एन पदों का योगफल तो मान लेते कि ये एस एन है, ये वन बाई टू वन बाई टू माइनस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस वन अपॉन एन प्लस टू ये आएगा। इसे आगे सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा वन बाई टू और एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो जो इसका एलसीएम होगा ये टू इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू और अंश में आपको मिल जाएगा एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू माइनस टू टाइम्स एन प्लस टू प्लस टू टाइम्स एन प्लस वन। अब इसको जब आप सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा एन स्क्वायर प्लस थ्री एन अपॉन फोर इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। ये हमें मिला है एस एन का मान, अर्थात जो एन पदों का योगफल हमें निकालने कहा गया था ये यही है एन स्क्वायर प्लस थ्री एन अपॉन फोर इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। अब हमें ज्ञात करने कहा गया है कि श्रेणी के अपरिमित पदों का योगफल, तो हम लिखेंगे श्रेणी के अपरिमित पदों का योगफल ये एस इन्फिनिटी इक्वल टू
इसी में यदि हम लिमिट लगा दें कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो हमें वह पद मिल जाएगा। तो ये 1 बाई टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई टू इंटू 1 बाई टू माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 2, ये वाला जो पद है। अब इसमें जब हम इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे, तो आपको मिल जाएगा 1 बाई टू इंटू 1 बाई टू। यहाँ पर जब इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी दैट विल बी 0, फिर इस तरीके से ये पद भी आपको मिल जाएगा 0। तो 1 बाई टू इंटू 1 बाई टू सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 बाई 4, और यही इस दिए गए श्रेणी के अनंत पदों का योगफल है जो हमें ज्ञात करना था।